दोस्तों कई सारे लोग स्टॉक्स मार्केट में आना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगता है कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, कहीं हम सारा पैसा यहाँ पर गवा ना दे, लेकिन वो स्टॉक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप पेपर ट्रेडिंग के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई मनी की रिक्वायर्ड नहीं है, आपको यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा भी मिलता है। आप रियल टाइम में मार्केट में अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंट लेवल आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप दोस्तों अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जब भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं तो आपका एक्शंस क्या होता है उसको आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रोसेस किस तरह से अच्छे से वर्क होता है उससे भी दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद जब आप रियल मार्केट में रियल स्टॉक्स बाय करेंगे रियल ब्रोकर के जरिए, देन आपको डर नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम पेपर ट्रेडिंग कैसे करें, कैसे हम बैक टेस्टिंग करें एंड पता करें कि हमने जो स्टॉक्स बाय किए सेल किए वो गलत है या फिर सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि पेपर ट्रेडिंग के यहाँ पर क्या बेनिफिट्स है और क्या लॉसेस है। देन दोस्तों आपको कमेंट में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। लिंक पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के जरिए हम देखेंगे दोस्तों कि आप पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पेपर ट्रेडिंग व्यू का दोस्तों आपको लिंक जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो इसमें अकाउंट बना लेना है, ओके, ताकि आप दोस्तों जो भी स्टॉक्स बाय या सेल करो वो आपके पोजीशंस में आए। ठीक है, आपको पता चले कि आपने इतना ट्रेडिंग्स किए हैं, इतने लॉसेस किए हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर गूगल के जरिए, फेसबुक के जरिए, लिंक्डइन के जरिए, ईमेल के जरिए यहाँ पर आप साइनअप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैं गूगल के जरिए यहाँ पे साइनअप कर लेता हूँ। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर हमने जो है वो गूगल के जरिए यहाँ पर साइनअप कर लिया है। ओके, देन दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चार्ट्स पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, अभी दोस्तों आपको किस में इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना है, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ETF में इन्वेस्ट करना है या फिर अदर्स में किसी में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कंपनीज का नाम सर्च करना है। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आ रहा है सिंबल सर्च का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों इसको मिनिमाइज करके आप यहाँ पर जिस भी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इनबिल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ रिलायंस या फिर एशियन पेंट। ओके, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एशियन पेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे एशियन पेंट यहाँ पर क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक NSE और एक BSE। ठीक है, ये दोनों एक्सचेंजेस है, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो हम जो वर्क करेंगे वो NSE में करेंगे। ठीक है, क्योंकि NSE में दोस्तों ज्यादा लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर NSE पर क्लिक कर लेंगे। NSE पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर लोड लेगा और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर से कंपनी का चार्ट यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे जो है वो एरो का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके पास से पांच ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, स्टॉक स्कैनर, टेक्स्ट नोट्स, पिन एडिटर्स, स्ट्रेटजी टेस्टर एंड ट्रेडिंग पैनल। ठीक है, आपको ट्रेडिंग पैनल्स में यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों एक मिनट, हाँ, क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, पहला यहाँ पर आ रहा है नो ब्रोकर और दूसरा आ रहा है पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, और बाकी के जो ब्रोकर्स है वो इंडिया के बाहर के। ठीक है, तो हमने जो है पेपर ट्रेडिंग करना है। ठीक है, विदाउट मनी। देन हमें क्या करेंगे दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग पे यहाँ पर माउस लेकर आएंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लेने के बाद में दोस्तों जो है हमारे यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करने का जो फीचर्स है यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। ओके, अभी ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, पोजीशंस, ऑर्डर हिस्ट्री, अकाउंट हिस्ट्री एंड ट्रेडिंग जनरल। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देन दोस्तों यहाँ पर आपको इसके नीचे जो है वो ब्लैंक पेपर दिख रहा है। ठीक है, ब्लैंक दिख रहा है, आपको यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने तीन चीजें यहाँ पर ओपन हो जाएगी। पहला है क्रिएट न्यू ऑर्डर, दूसरा है शो बाय सेल बटन एंड तीसरा है ट्रेडिंग सेटिंग्स। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है दोस्तों
क्रिएट न्यू ऑर्डर्स, क्रिएट न्यू ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपको शॉर्ट सेल करना है या फिर दोस्तों आपको स्टॉक में बाय पोजीशंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल रखते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं स्टॉक्स में बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप कितने स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं, 1, 2, 100, 5000, कितने क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्वांटिटी हम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पर एशियन पेंट के यहाँ पर 10 स्टॉक्स बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम वो क्वांटिटी यहाँ पर इनबिल्ड कर देंगे। इनबिल्ड करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर से नीचे यहाँ पर दिख रहा है बाय 10 NSE एशियन पेंट मार्केट, ठीक है, इस पर आपको बाय कर देना है। तो आपने देखा दोस्तों हमारा जो ऑर्डर है वो बाय हो चुका है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखो दोस्तों हमने यहाँ पर NSE एक्सचेंज से हमने यहाँ पर 10 क्वांटिटी लिए, कौन से प्राइस से लिए, हमने 3023.90 रुपीज के प्राइस से हमने 10 क्वांटिटी शेयर्स लिए, ठीक है। अभी दोस्तों जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रुपीज जो है वो आपको रुपीज का सिंबल नहीं दिखाएगा, आपको USD का सिंबल दिखाएगा। ओके ग्रेट, काफी इजी सा प्रोसेस है, ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू के जरिए दोस्तों पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड क्या मूवमेंट हो रहा है उसको भी यहां पर जान सकते हैं, ठीक है। तो हमने एशियन पेंट के यहां पे 10 क्वांटिटी यहां पे स्टॉक्स लिए थे, तो हमारा यहां पर माइनस कितना चल रहा है, हमारा यहां पे लॉस हो गया 0.10 USD डॉलर। ओके, इसके बाद में दोस्तों ऊपर आ रहा है पोजीशंस, मतलब हमने एक स्टॉक बाय किया तो पोजीशन में आ गया। ओके, उसके बाद में दोस्तों आ रहा ऑर्डर्स, हमने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए, कितने ऑर्डर जो एक्सक्यूट हुए और कितने ऑर्डर कैंसिल हो गए और कितने ऑर्डर रिजेक्ट हो गए वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। इसे भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ट्रेडिंग जनरल्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा हम कैसे दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के जरिए काफी इजिली दोस्तों स्टॉक्स बाय किए और काफी इजी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। और उसके बाद में हम देख भी सकते दोस्तों हमने जो यहाँ पर मार्केट में एंट्री लिया था दोस्तों वो हम यहाँ पर गलत गए थे या फिर सही गए थे। ओके, अभी दोस्तों अभी एक और क्वेश्चन आता है कि पेपर ट्रेडिंग करना क्या सही रहेगा सबके लिए या फिर सबके लिए सही नहीं रहेगा। अभी दोस्तों आप मुझसे पूछेंगे कि भरत भाई तूने क्या पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था, तो पर्सनली दोस्तों मैं आपसे सच कहूंगा मैंने जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था तो मैंने डायरेक्ट अपस्टॉक के जरिए रील्स मार्केट में स्टॉक्स बाय सेल किए थे, मैंने पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं किया था। ओके, पेपर ट्रेडिंग करने के बेनिफिट्स और नुकसान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पैसा होता है, जब हमारे पास हमारा रियल इनकम होता है, रियल पैसा होता है, तो उसके जरिए जब हम रियल स्टॉक्स बाय सेल करते हैं तो वहाँ पर हम दोस्तों काफ़ी रिसर्च और काफ़ी एक हद क्वांटिटी तक हम कोई भी स्टॉक्स में एंट्री लेते हैं, ठीक है, चाहे वो बाय करना हुआ या फिर सेल करना हुआ। ओके, तो वहाँ पर दोस्तों हम अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, अपने स्ट्रेटजी मेथड का यूज करते हैं। ओके, और वहाँ पे दोस्तों हम अंधाधुन कोई भी स्टॉक्स की क्वांटिटी बाय नहीं कर लेते, ठीक है, हमारे पास जितना पैसा है उसके बिहाफ पे ही दोस्तों हम वहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फेक मनी मिल जाता है, जिसके जरिए दोस्तों जो हम स्टॉक्स में अंधाधुन क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पर हमने जो क्वांटिटी बाय की है अगर हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया तो हमारी मन में रिग्रेट होता है कि काश मैंने जो है वो रियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया होता। और वही अगर दोस्तों जो है आपका प्लस पॉइंट की जगह अगर माइनस में अगर आपका अकाउंट चला गया तो आपको खुशी होता है कि यार सही अच्छा हुआ जो मैंने जो है वो रियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया। ओके, लेकिन होना क्या चाहिए दोस्तों, प्रॉफिट पे स्माइल होनी चाहिए और लॉसेस पे रिग्रेट होना चाहिए। ओके, लेकिन पेपर ट्रेडिंग में दोस्तों वो उल्टा हो जाता है। ओके, लेकिन दोस्तों कुछ भी चीज़ों का माइनस पॉइंट होता है तो कुछ प्लस पॉइंट भी होता है। ओके, पेपर ट्रेडिंग दोस्तों किन लोगों के लिए, जो बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। बैक टेस्टिंग मतलब क्या, बैक टेस्टिंग मतलब दोस्तों ये कि दोस्तों जो भी आप मेथड लगा के ट्रेडिंग करते हैं, स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, ओके, उनको दोस्तों यहाँ पर आकर के आप डायरेक्ट बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आज जो है वो टाटा मोटर्स पे यहाँ पर ट्रेड आया, ओके, और आपको डर लग रहा है कि गलत जा सकता है, आपको फियर लग रहा है, आपको इमोशंस पर आपके कंट्रोल्स नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर आकर के दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आपको अंधाधुन क्वांटिटी बाय कर लेना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको स्ट्रैटेजी अपनाना, मेथड्स को यूज करना है, डिसिप्लिन को मैनिपुलेट नहीं करना है, डिसिप्लिन रखना ही है। बिना डिसिप्लिन के दोस्तों लाइफ में कुछ भी अचीव्स नहीं होते, आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही है, ठीक है। और चौथा पॉइंट दोस्तों आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है, ताकि दोस्तों आप जब प्रैक्टिस करो ना तब आपके
सारे जो लेवल्स है वो अच्छी तरीके से वर्क हो। और जब दोस्तों आप पेपर ट्रेडिंग छोड़ के जब रील्स मार्केट में रील्स ब्रोकर के जरिए जब आप स्टॉक्स बाय या सेल करेंगे तब आपको वो चीज़ें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ओके फाइन, जो चीज़ें दोस्तों सच थी मैंने आपको बता दी, फिर भले दोस्तों आपको ये चीज़ें कड़वी लगी हो आई डोंट नो। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडिंग व्यू के जरिए दोस्तों जो है आप इस तरह से किसी भी स्टॉक्स में बाय कर सकते हैं, उसकी पोजिशन से यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें को यहाँ पर फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू के जरिए पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियोस में हमने देखा कि दोस्तों हम कैसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके कैसे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों तो इस पर दोस्तों हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनाए हुए हैं, ट्रेडिंग की सीरीज यहाँ पर लॉन्च की है, तो आप यहाँ पर जाकर के सारी वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हमने काफी डिटेल्स में यहाँ पर सारी चीजें बताई है और आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर या फिर सुपर आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगा। ओके, आप वहाँ पर जाकर के वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों मिलता है एक ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय।